स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नाइट कैंपिंग ऑफ कोकनकड़ा के पार्ट टू में। होप आप लोगों ने पार्ट वन ऑलरेडी देख लिया है, यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। यहाँ पे कैसे आना है उसकी कंप्लीट डिटेल दिया है मैंने आपको उस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं पार्ट टू को। वगैरह बंद है, अभी कल संडे है तो कल खुली रहेंगी, तो कल मॉर्निंग में देखेंगे कैसा सीन रहता है, अभी तो पूरी बंद है। ये रहा पीछे हरिश्चंद्रगढ़, और अब हम चल रहे हैं कोकनकड़ा की ओर। चलिए फटाफट चलते हैं, नहीं तो सनसेट मिस होगा, जो कि यहाँ तक आने के बाद मैं कतई मिस नहीं कर सकता। चलो भागना पड़े तो भागेंगे, चलो, लेकिन भागने की नौबत नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है, अभी 5:15 ही हुए हैं सनसेट के लिए, ऑलमोस्ट अभी 1 से 1.25 घंटा बाकी है। वैसे तो 7 बजे हो रहा है अभी सनसेट, लेकिन यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए मैं 1/2 घंटा पहले पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं 7 बजे पकड़ के चलूँ और लेट हो जाऊँ तो कोई मतलब नहीं बनता इतना दूर आने का। जल्दी पहुँचना अच्छा है लेट होने के बजाय, राइट। तो चलिए फटाफट पहुँचते हैं और आपको मस्त वाला सनसेट का व्यू दिखाते हैं कोकनकड़ा से। फ्रेंड्स करीब 15-20 मिनट ही लगा हम लोगों को यहाँ पे पहुँचने के लिए, और सामने आप लोग देख सकते हो ये होटल दिखने लगी है, और सामने रेलिंग भी दिख रही है हम लोगों को, इसका मतलब हम लोग कोकनकड़ा पहुँच चुके हैं। और अभी सन सेट होने के लिए बहुत टाइम है, क्योंकि आप देख सकते हो अभी तो सन बहुत ऊपर है, सेट होने के लिए बहुत टाइम है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने टाइम पे, बिल्कुल भी लेट नहीं है, तो इस बात की तो खुशी है कि चलो पहला मिशन कामयाब हो गया कि हम सनसेट के पहले पहुंच गए। अब दूसरा मिशन जो है वो ऊपर वाले के ऊपर है कि हमको कल सुबह क्लाउड बेड्स देखने मिलता है कि नहीं, अच्छा खुला हुआ मौसम मिलता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बादल छाए हैं और अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई, तो अगर बारिश हो गई तो पूरे प्लान में पानी फिर जाएगा, और अगर बारिश नहीं होती है तो हमको क्लाउड बेड देखने की उम्मीद है और इंद्रवज्र देखने की उम्मीद है, और साथ ही साथ एक प्यारा सा सनराइज़ देखने की उम्मीद है। ये होटल्स हैं यहाँ पे, इनके नंबर्स मैं आप लोगों को देने के लिए ये डिटेल्स डाल रहा हूँ, और भी आगे और भी होटल्स हैं तो उनमें उसके नंबर लिखे हुए हैं, तो आप लोग ये नंबर वगैरह नोट कर लीजिए। अगर यदि आपको डिटेल्स चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। खाना हो गया, चाय हो गया, नाश्ता हो गया, टेंट हो गया, ये सारी फैसिलिटी आप लोगों को मिलेगी। और भी डिटेल्स हैं तो देख लीजिए, बात कीजिए, और आपको जिससे भी रेट वगैरह तय होता है आप लोग स्टे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब ये रहा ऊपर सन, हम पहुँच गए हैं कोकनकड़ा, ये रही होटल्स जो कि फ़िलहाल बंद हैं। हो सकता है कल संडे है तो एक अलग ही माहौल देखने के लिए मिलेगा, फिलहाल तो कोकनकड़ा का मज़ा लेते हैं। चलिए
गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कोकनकड़ा और मस्त बहुत ही बढ़िया व्यू एंजॉय किया हम लोगों ने और फुल वर्थ इट है यहाँ पे आना। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको खड़े होके बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको जो तरीका है वो मैंने दिखा दिया है, आपको लेट के प्रॉपरली उसके बाद ही आपको इस व्यू का मज़ा लेना है। बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, यहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है, तो प्लीज़ अपना पूरा ध्यान रखिएगा जब भी यहाँ पे आएंगे। और जिस तरीके से सब लोग देख रहे हैं प्रॉपरली लेटिए और उसके बाद फिर बहुत ही सुंदर और क्या बोलूँ, मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं, मतलब अमेजिंग, एकदम अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस है। और इस व्यू को एंजॉय कीजिए। और मयूर कैसा लगा? अरे एकदम सर वर्थ इट लगा। यहाँ पे अगर आना है कोकनकड़ा एक नाइट स्टे के लिए तो मैं तो रिकमेंड करूँगा पाचनई साइड से ही आइए, बट पर्सनल व्हीकल है तो पाचनई से ही आइए। हाँ, पर्सनल व्हीकल होना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रैवल करना, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जल्दी इतना अच्छे से मिलेगा नहीं। तो अभी हम लोग थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे हैं और थोड़ा आगे आए हैं। फिलहाल यहाँ पे पूरा मौसम बना हुआ है, आप पीछे हवा देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक हवा चल रही है, बादल गरज रहे हैं और पूरा मौसम बना हुआ है बारिश का। कुछ कहा नहीं जा सकता कि रात में हम लोगों को यहाँ पे किस तरीके का मौसम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो मौसम है उसने तो हमारा दिल जीत लिया भाई, सही ना? एक नंबर। ये देखिए क्या बढ़िया, ये पूरा मैजेस्टिक कोकनकड़ा हमारे पीछे। एकदम से पूरा का पूरा माहौल बदल गया है, हालात बदल गए, बहुत खतरनाक हवा चल रही है यहाँ पे। और अभी सबसे बड़ा टेंशन ये है कि हम यहाँ पे अपना टेंट कैसे सेटअप करेंगे। इस हवा पे टेंट सेटअप करना बिल्कुल भी इजी और सेफ नहीं है क्योंकि काफी रिस्की है, पूरी तरीके से उड़ सकता है। फिलहाल अभी हम लोग ये हवा और उसके बाद ही जो है गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो गई है, रात काफ़ी अच्छी भी थी हमारी, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, बहुत अच्छा मौसम था, काफ़ी ठंडक भी थी और बहुत अच्छी नींद आई है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कोकनकड़ा का मॉर्निंग व्यू। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे क्लाउड बेड्स नहीं है, लेकिन जो व्यू है वो बहुत ही औसम है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो आप लोगों की इसको इन्जॉय कीजिए।
सनराइज भी हो चुका है, आप पीछे देख सकते हो, लेकिन सन जो है वो पूरा बादलों के पीछे छुपा हुआ है, इसके लिए अपने को कंप्लीट व्यू नहीं मिल रहा है। लेकिन तो गाइज मॉर्निंग में फिर हम लोगों ने उठ के कांदा पोहा बनाया नाश्ते के लिए। रात में तो हम लोगों ने मैगी ऑलरेडी खाई हुई थी जो आप लोगों ने देखे हैं। ये हल्का फुल्का नाश्ता हम लोगों ने खुद बनाया ताकि एक कैंपिंग का जो फील है वो आ सके, और प्रॉपर जो मील है वो यहाँ पे आपको होटल में मिल ही जाता है। मॉर्निंग में आपको चाय वगैरह ये सब कुछ मिल जाएगा, तो उस चीज़ का आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो एक फील लेना था कैंपिंग का, उसके लिए हम लोगों ने ये कुकिंग का भी सिस्टम रखा हुआ था। फाइनली साइनिंग ऑफ फ्रॉम कोकनकड़ा। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब भी करने के लिए बोलिए। चलिए तो अभी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नई जगह पे, नए एडवेंचर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंद।